उषा कहने लगी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल पहचान लेंगे, अगर पहचान लेगी तो हम तुझे मिला देंगे। कहने लगी तो फिर आप चित्र बनाओ, चित्र का चित्र बना रही है सब राजाओं की, और जो सी तस्वीर बनाती है उसा मना कर देती जे है बोली नहीं है, जे है क्या जे भी नहीं है, ये है क्या जे भी नहीं है। जो भगवान कन्हैया की तस्वीर बनाई माला पकड़ ले माला माला पकड़ ले माला चित्र रेखा बोली तू जानते है कि है कौन द्वारिका फीस भगवान कन्हैया के नाती अनुरोध सही थी फिर हमें कहेगी कैसे आपके पास में कही सोचन लगी जगा है ले फिर जब सोची सोवत देव पता ना कैसे सुभाए के हुए एक दौले पर एक बहुत मकाम फिर उसा ने सोचा चलो जगा है लेकिन मन ही मन में सोच रही क्या करेंगे दिल को कहता है जगाए तो कैसे जगाए 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 कि न जगाए और जगाए तो कैसे जगाए सोचा ना कि चलो जगाए अंदर गई बीड़ा उठा के लिए अनुरुद्ध के पास बैठ के बीड़ा बजाने लगी और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी गाने लगी महाराज
बाणासुर का शासन है और मैं उनकी मूसा सपने में मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया है। कहने लगी तो फिर चले जाना, तो इतनी जल्दी क्या है, भोजन कर लीजिए उसके बाद चले जाना। कहने का मतलब हमारा ये है साथियों, अनुरुद्ध उषा की प्रेम भरी बातों में फंस जाते हैं और अनुरुद्ध उषा के महल में रहने लगे हैं। धीरे 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 एक दो दिन नहीं, एक महीना हो गया, अनुरुद्ध भगवान कृष्ण के नाती जब वहां स्वर्णपुर में रहते रहे, ऐसा और ये इसका मुस्क की हवा तदा दबती है नहीं दबाने से। मेरी लड़की के आंगन में कोई चोर छुपा है। बाणासुर तलवार लेकर के भागा, चारों तरफ से घेर लिया उस महल को, और क्या देखा बाणासुर ने, अनुरुद्ध और उषा गहरी नींद में सो रहे। तलवार लेकर के मारना चाहा, लेकिन बाणासुर के दिमाग में झटका लगा, नहीं इसे नहीं मारे, आखिर को बेटी का विवाह भी किसी से करना, कोई बात नहीं, हम तो जानते थे पता नहीं यही का कोई है, लेकिन इसकी हम ताकत और जोर से अनुमाएंगे। जवाब था तो नहीं देना जाता, कहने लगा प्रभु माफ कीजिए, अभिमानी का विनाश हमेशा से होता रहा है, प्रभु शंकर जी के प्रणाम पा करके मैं इतना अभिमानी हो गया कि मैं शंकर जी को ही भूल गया, और आज वो भुजाओं की खुजली मिट गई, और अगर तुमने इतना किया है मेरे साथ तो एक रहम और कर दो, हमारी बेटी के साथ अपने नाती का विवाह कर दो। जेल खाने से निकाला गया और उषा और अनुरुद्ध की शादी की गई। अंत में भगवान का भैया उषा और अनुरुद्ध को साथ लेकर ये द्वारिका के लिए चले आया। देखते हैं आगे ये शोर भी आप भेंट कर रहे हैं, मिर्जा का साउंड सर्विस जो आपकी सेवा में 5-7 दिन से यहां लगा हुआ है, इस
कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से पहले मिले। जेठ भल्ली सुदामा को ले जा करके सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन देख सुदामा की दीना दशा करुणा निधि करुणा निधि रोए, हाय महा दुख पाए सखा और तुम हाय इतन किते दिन खोए। तो चावल और भीतर दबा गए। बहुत बड़ा राजा है, सबके सामने चावल कैसे देंगे, हमें बड़ी लाज लगेगी, छोड़ो नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले जाएंगे। कन्हैया कहने लगे, सुदामा भैया क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा? कन्हैया की ओर देख के सुदामा कहने लगे, क्या रखा था, छह छह दिन भोजन तक तो बनता नहीं है घर पे, कोई भी चीज नहीं थी। कन्हैया कहने लगे, लगता है पुरानी वाली आदत में अभी तक सुधार हुआ नहीं। सुदामा भैया जबता दे के चावलों की पोटरी छीन ली, ऐसा चावल चढ़ा करके अपने जाने पर बैठती जाए, अब नहीं है तो आराम से बैठी नहीं है। चावल फेंके नहीं जाते हैं, आराम से चढ़ाए जाते हैं, चुपचाप चढ़ाओ और अपनी जगह पे बैठ जाओ। जैसो बाजरा सुबह को शुरू कब तो रखिया नहीं रहती, बैठ जाओ। जवाब दिया, सुनिए, 16,108 रानी सुदामा को विदा। भगवान बोले, भैया इन सबसे हमने शादी की है। हाँ, 16,108 सोचने लगे, जब कैसे खबर ले तो यही एक कई मायने होगी। सुदामा ने सोची, बड़ो परिवार है, चलते समय सबने ज्यादा नहीं 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए, गरीबी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, ढेर लगी है ऐसा पैसा। सबसे पहले रुक्मिणी आई, जवाब दिया, आप तो बिल्कुल नहीं आते हो, कभी कभी घूम जाया करो, ये आपका ही घर है, नमस्ते। देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे।
जाम बनती है। बोली अगली बार जब आओ तो बच्चों को भी लेके आना, नमस्ते। मारी गुस्सा की मैं सलामत हो जाएगी बिना मतलब की नमस्ते। दक्षिणा में चुन्नी नहीं खुली तो नमस्ते कन्हैया, ऐसी नमस्ते करने के लिए बैठे रहे तो ढाई तीन महीना लगेंगे क्या? हाँ जाम दे बोले साहब चलिए। गांव से बाहर निकल करके कन्हैया ने फूल पकड़ा दिया भैंस ने, लौटे आए का भैया फिर घूम जाना। तो फूल को देख के सुदामा को बड़ी गुस्सा, जागो का करे जाए ओड़े के बिछाए के धरे ले खा खा पढ़ाए घर में मां ने खाए के तो बड़ो भाव अब राजा हो गया तो कौन सी बड़ी बात। जन को को भूखो गए तो दूध की मुट्ठी चाऊन लाए घूम चली ना मां ने कहा ओए कन्हैया जब लौटे आए तो सुदामा सोचने लगे बालापन के मित्र हो कहा के ये सरा जो भगवान हमको दियो बस सोई मीठे या। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे हैं लेकिन दोनों लोग वापस भय पे। सुदामा घर पे गए घर पे सहने में नहीं आया, सोचने लगे सुदामा लगता है कि मेरे जाने के बाद किसी ने मेरी पत्नी को मार दिया और ये अपना घर बसा लिया। मैं तो कहीं का नहीं रहा कन्हैया, कहीं का नहीं रहा। ओरे सावरिया तेरे पीछे कितना निर्दयी निकला है तो चलते समय भी तुमसे सीधे नहीं बोला मोहन माफ करना। दशरी के लिए भागा और परीक्षित के गुरु थे धनवंतर, धनवंतर 1400 चेला लेकर के परीक्षित को जिंदा करने चले। तक्षक ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तक्षक ने वृक्ष में भुस्कार मार दी, जहर से वृक्ष जल गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक ने सोचा पहले धनवंतर को समेट लें उसके बाद हम परीक्षित को देखेंगे। सोना बन गया, धनवंतर ने सोना समझ के उठाया तो कंधे पर रखा। तक्षक ने धनवंतर को पीठ में दस दिया। धनवंतर कहने लगे अपने चेलाओं से मेरे साथ में धोखा हो गया। चेला रोने लगे, गुरु जी कहने लगे सुनो हमें जमीन में गाड़ दो और 3 महीना ढांक बजाओ, 3 महीना से पहले मत उठाना। चेला सब रो रहे ढांक बजाने लगे। तक्षक फिर पहुंच गया, क्या कर रहे हो? लेकिन चेलाओं ने नहीं सुना, ढांक बजाने में लगे। Oh,
गुरु जी को जमीन में गाड़ दिया मतलब मर गए होंगे, उन्हें सांस भी नहीं मिली होगी। उखाड़ के देख लो जिंदा है तो ढांक बजाओ, मर गए हो तो बताए को मरे जा रहे। चेला नहीं समझ सके, गुरु जी को उखाड़ दिया। धनवंतर बोले अब तेरे कुछ भी करो अब हम नहीं बचेंगे, अभी अगर कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को लेकर चौदंग को खा जाओ। धनवंतर खत्म हो गए, थोड़े थोड़े मांस को लेकर के चेलों ने हड्डियों में रखने रख दिया। तब तक ने वो हड्डियां भी सब गंगा जी में फेंकवा दी, सब डूबी गई। एक बंगाल में पहुंच गई और बंगाल की स्त्री, बंगाल की स्त्री गंगा जी में कूदने आई थी। धनवंतर के मांस को खा गई, जादूगरनी बनी गई और उसने बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखा दिया। जादू सिखाने वाली महिलाएं बंगाल में चला गया। अब तक छकनाग फूल बन गया परीक्षक को दसने के लिए। और फूल नहीं पत्ता, और पत्थर द्वारा हाथ हुआ वहां पर करते हैं। महाराज भी क्षमा करें, गांव में क्षेत्रवासी अन्यथा दूर दूर से आए हैं सभी बात। कथा आपकी खैर यही विराम होती है और पांच से रोज तक जैसे भी हमने आपकी सेवा के पाई। श्रीमान नेत्रपाल सिंह जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, आप सब लोगों के दर्शन हुए और इसी के साथ साथ क्षमा चाहेंगे हमसे या हमारे साथियों से जो भूल, जो कोई कमी बन गई हो, कोई गलती बन गई हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। माफ करें, हम कोई इतने बड़े कलाकार नहीं है जो आपके दिल को जीत सके। ये सब आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है जो आप लोग हमारी वाणी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वक्ता जो सारे दिन भक्ता ही रहता है, जिस वक्ता का काम पकड़ने का है उसकी हर बात अच्छी नहीं होती, कोई कोई बात ऐसी भी निकल जाती है जो हमें नहीं कही। हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए, वक्त फिर भी मिलेगा क्योंकि डाली है हरी भरी तो भूल फिर खिलेंगे और जिंदगी अगर कायम है तो फिर कभी भी नहीं खिलती। भगवान नारायण नारायण हरी हरी। साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं जो हमारे नेत्रपाल सिंह के सौजन्य से हमारा आना हुआ। बड़े बढ़िया इनके विचार हैं और वैसे मना भी मैंने बहुत करा लेकिन हवलदार नगला लकेश ढोलक मार्शल
उनकी तरफ से 50 रुपए आए। भैया बाद में बोल लेना, 5 मिनट बाद रुक जा। आरती की वे हनुमान लला की, धर्म क्षेत्र में कुछ करदाताओं की सूची इस प्रकार से है।
दस रुपया किसन लाल कुमर हुआ, दस रुपया चंद्रपाल कुमर हुआ, दस रुपया हरिद्वारी कुमर हुआ, 1101 रुपया कल्याण सिंह नेत्रपाल के भैरोई खुशीपुरा, 20 रुपया भगत सिंह अभयपुर, 11 रुपया होरीलाल कुमर हुआ, 21 रुपया पप्पू सिंह श्री सरोप श्री अतर सिंह कुमर हुआ, 21 रुपया रमेश चंद हरिचंदपुर, 10 रुपया धीरेज खुलिया। हाँ यार ऐसे क्यों माल करती तुमने आलू गोभी
सब्जी भाई लिस्ट कहाँ पे है? समझिए रगी हाँ खाओ ना, मुंह क्यों ढक लिया है? मल कर दी हमें तो खवाई ना, हम खवाएंगे भैया। सही आ रहा है फोटो? अरे नहीं ले आए थे जगह के फोटो में तो रुक जाने
ये हट जाए सामने से। अभी गोभी I don't know.
आज लोकल नहीं है भाइयों नहीं, मैं भाई को छोड़ूंगा।
बढ़िया करके I'm not afraid.
रक्षा कर रहा है और इधर आ रहा है।
कीर्तन कैसे लगाओ, कहाँ लगा दी ये तुमने यार? ना हम ये नहीं सुनते, हम जो सुनना है वो सुनते हैं। आपकी दावत तंगड़ी है हमारी, बोल सकते हो। चलो और ना की लगा दे काउकी ना की। सामने खड़े हो गए, जा रहे हैं प्रदेश। धर्म क्षेत्र में कुछ दानदाताओं के नाम है, 5 रुपया अर्जन सिंह रनमोचना, 5 रुपया श्रीमती लीलावती कुमरुआ, 8 रुपया लोचन सिंह फाजिलपुर, 10 रुपया दीपक सिंह सरोप तस्वीर सिंह कुमरुआ, 11 रुपया राहुल सरोप सरोप सुरेश सुजरई गंगेरी, 5 रुपया नाथुराम सुजरई। बाणासुर के मन में एक दिन आया, चलो हम तपस्या करें, तो ये शंकर जी की तपस्या करने के लिए चला गया। आइए अब संक्षेप में हम आपको बहुत जल्दी जल्दी में थोड़ी शक्ति बनाए रखें। जिस समय शंकर जी के नाम की तपस्या करने के लिए गया, लेकिन तपस्या नहीं, शंकर जी के ध्यान में मगन होकर के नाचने लगा बस, लेकिन भोले बाबा इसके नाचना ही खुद हो गए। इधर निकल आइए दरोगा जी साहब, देवेंद्र यानी बाणासुर जो था शंकर जी के ध्यान में नाचने लगा और शंकर जी उसके नाचने ही खुश हो गए। बाणासुर कहने लगा, भोले बाबा अगर आप हमसे
तो हमें अमर कर दो और हमें 1000 भुजाओं की ताकत दे दो। शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया, कहने लगे जाओ 1200 वही होगा जो तुम कह रहे हो। अब वरदान मांगने के बाद में 1200 अमर हो गया। शंकर जी की शक्ति से 1200 जंगल में हाथियों को पकड़ पकड़ के फेंकने लगा, शेरों को फाड़ने लगा। कोई भी पहलवान ऐसा नहीं छोड़ा जिसे जीत न लिया। लेकिन भुजाओं की खुजली नहीं कम हुई, तब 1200 ने एक तरीका और अपनाया। फिर भी जब खुजली नहीं घटी तो फिर जगह पे जगह
देख के उषा के भाई ने पूछा, सही बताना उषा तुमने क्या सोचा? बोली कुछ नहीं सोचा। नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो विचार आया है उसी के ऊपर हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं उषा। एक ऐसी रात होगी जिस रात में सपने में तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी, और जब तक तुम उसे ढूंढवा नहीं दोगी तब तक तुम्हारे हृदय में चैन नहीं आएगा, फिर उसी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंद से गुजरेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। बाणासुर अपनी लड़की को घर पर लेके चला आया, उषा सहेलियों के साथ रहने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। एक दिन लड़कियां जो उषा की सबसे प्रिय सहेली थी चित्ररेखा, खेल खेलती रही, लड़कियां अपने अपने घर चली गई, उषा रात में सो गई, और जब सो गई सोते सोते और जैसे ही आधी रात हुई एक कदम चौंक पड़ी वो बात रही नहीं पहली खुशी न हो न पहलो हाल समाप्त। उषा बहुत चक्की सी चारपाई पे उठ के बैठ गई। मैं कहां आ गई? थोड़ी देर पहले मैं कहां थी? तुम कहां चले गए? ये सब क्या हुआ? रोने लगी, आंखें में आंसू भर आए और धुक धुकी हृदय की जलन लगी। उषा चक भकसी हुई करके हाय दोनों आंखें मलन लगी। ये क्या हुआ? मैं कहां आ गई? थोड़ी देर पहले मैं कहां थी? क्या करूं? किस तरफ गया? क्यों चला गया? साथी से क्या अपना बना? चित चोर ने कसम उठाई गई, अरे छेदी बन के क्यों व्याध बना? चक्की सी उषा रोती है और चारपाई पे फिर गिर पड़ी, कहने लगी मैं फिर से सोई जाती हूँ, तुम फिर से आ जाओ, मैं फिर से सोई जाती हूँ, लेकिन नींद अब नींद कहाँ? एक पैर दिन चढ़ गया, उषा ने चारपाई नहीं छोड़ी और वही लड़कियां सब आ गईं। चित्ररेखा ने उषा को जगाया, हाँ इतनी समय तक कभी नहीं सोती थी, आज क्या हो गया उषा? जो कलाई पकड़ी तो उषा की आंखें तो खुल गई, आंखें खुलते खुलते धोखा से मुंह से एक शब्द निकल गया, हाय प्रीतम। जो ये शब्द सुना चित्ररेखा बोली, कहां हो? क्या हुआ? एकदम से उषा बात बदल गई, माफ कीजिए कुछ निकल गया होगा मुंह से, कोई बात नहीं है। चित्ररेखा कहने लगी, सच बताओ बात क्या? अरे हमें तो बताओ। कहने लगी कोई बात नहीं, और कोई बात होती तो क्या हम तुमसे छुपाते? ना कोई बात नहीं है। छोड़ी और दिल को भेद बताइयो ना। अब कोई बात होती तो हम तुम्हें जरूर बता दें। चित्ररेखा कहने लगी, देखो उषा अगर हमें नहीं बताओगे तो कोई लाभ नहीं होगा, और फिर सहेली से क्या छुपाना, सच बताओ, अपने दिल की बात बताओ, तुम्हें मेरी कसम है सच बोलो। उषा बोली, अब नहीं मानती हो तो सुनो, जब तुम चली गई, जब मैं रात में सो गई, हाँ तो सो गई तो तुम रहे थे, हाँ तो जब मैं सो गई बोली,
देवी की कृपा से संसार भर के जितने भी राजा हैं उन सबके में